अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है जब एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस दैट दो मे बी लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स दे कैन ऑल्सो बी यूज इट इज अ स्लो प्रोसेस क्योंकि एंटीबॉडीज बनेंगे इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस जो भी इंट्रोड्यूस करेंगे उसकी रिस्पॉन्स बॉडी ही बनाने वाली है इसलिए ये स्लो प्रोसेस है वेयर एज पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है रेडीमेड एंटीबॉडीज जो हैं वो डायरेक्टली गिवन टू द बॉडी जब भी रिक्वायरमेंट रहती है बाहर से दिए जाते हैं अच्छा अब नेचुरल और आर्टिफिशियल की अगर मैं बात करूँ तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है जब एक आ, कोई भी माइक्रोब्स जो हैं वो इन्फेक्ट करते हैं नेचुरली बॉडी को वो बॉडी को अटैक करते हैं तो बॉडी उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनाती है लेकिन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है एक्टिव क्योंकि बॉडी में बन रहा है आर्टिफिशियल क्यों क्योंकि इसमें इम्यूनाइजेशन की जाती है इसमें जो भी वीकेंड या डेड माइक्रोब्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में इंटेंशनली और उसके रिस्पॉन्स में फिर बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है बेसिकली जो वैक्सीनेशन होता है दैट इज दिस आर्टिफिशियल इम्यून इम्यूनिटी अब पैसिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल uh, है कि बॉडी खुद से नहीं एंटीबॉडीज बना रही है लेकिन उसको दिए जा रहे हैं तो जो नेचुरल है वो दैट इज इन द केस ऑफ न्यूबॉर्न और फीटस और न्यूबॉर्न बेबीज अब uh, जब फीटस को उसकी मदर की बॉडी से एंटीबॉडीज मिलते हैं थ्रू प्लेसेंटा नॉर्मली आईजीजी होते हैं सो दैट इज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एग्जांपल या फिर जो इन्फेंट्स हैं न्यू बॉर्न बेबीज हैं जब वो अपने मदर uh, का मिल्क uh, लेते हैं तो उसमें हमने जैसे पहले भी बात की थी कि फर्स्ट मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ कॉल्ड एज कोलेस्ट्रोल वाई बिकॉज इट हैज एंटीबॉडीज तो ये नेचुरल मेथड्स हैं जहाँ पर फीटस uh, में एंटीबॉडीज आ रही है फ्राम प्लेसेंटा फ्राम मदर थ्रू प्लेसेंटा और इन्फेंट्स uh, जो हैं वो थ्रू मदर्स मिल्क दे आर गेटिंग आई जी ए काइंड ऑफ एंटीबॉडीज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या है जैसे अब अगर किसी को कोई गिर जाता है किसी को चोट लगती है कोई वून, अब फ्रेश फूंढ लगा है, तो उसके अंदर एंटी जो एंटीजें हैं उनका अटैक करने का या एंटीटॉक्सिन्स वहाँ पर बनने का एक स्कोप रहता है तो उनको फिर एकदम से खत्म करने के लिए टॉक्सिन को खत्म करने के लिए एंटीटॉक्सिन दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ द प्रीफॉम्ड एंटीबॉडीज तो ये हो गया या फिर मान लो किसी को स्नेक ने काट लिया तो उसके जो टॉक्सिन्स हैं उनको भी खत्म करने के लिए इसी तरह एं, एंटीटॉक्स दिए जाते हैं आज आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन मेथड और एक्टिव की तो हमने बा, बात कर ही ली है खैर उसके एग्जांपल्स हैं पोलियो वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन डीपीटी वैक्सीन और ये जो कुछ वैक्सीन्स तो यू डी एन ए टेक्नोलॉजी की हेल्प से दे आर प्रोड्यूस फॉर एग्जाम्पल हेपाटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ई